बंधुओं से मिलकर के किसी भी तरह से उनका प्रश्न तोड़वाने की कोशिश करूंगी, अपनी मांग मंगवाऊंगी। मुझे खुशी की बात एक है कि आज धर्म की जय हुई है। प्रशासन इस समय आजम खां के दबाव में है। आजम खां कह रहे हैं आज कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। प्राची जी, क्या आप केंद्र सरकार को कोई संदेश देने की कोशिश की? क्या आपने केंद्र सरकार के किसी मंत्री से कोई बातचीत हुई है इस मामले पे? क्या आप केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे इस पूरे मामले पे? बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए केंद्र सरकार को इसमें इंटरफेयर। आखिर आजम खान इतना बड़ा आतंकवादी है कि वहां पर 80 परिवारों का धर्मांतरण जबरदस्ती करा रहे हैं केवल इसलिए कि वहां मॉल खोलना है। मॉल अगर खोलना है तो अपना घर तुड़वा करके खुलवाए, गरीब लोगों को ना सताए, गरीब लोगों को धर्मांतरण ना कराए। प्राची जी, क्या प्रधानमंत्री तक आप ये संदेश पहुंचाएंगी? निश्चित रूप से प्रयास करूंगी और मीडिया के माध्यम से पहुंच भी गया प्रधानमंत्री जी के पास में। क्या सीधे तौर पे आप बात करेंगी? सीधे तौर पे यदि आपको ऐसा लगता है वहां के लोग, अगर वाल्मीकि समाज के लोग आपको ये कहे कि साध्वी जी आप हमारी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, केंद्र तक पहुंचाएं, दिल्ली लेकर के जाएं ताकि उनके उनको न्याय मिल सके, तो क्या आप अपनी तरीके से या अपनी तरफ से कोई प्रयास करेंगी? अगर आतंकी आजम खान नहीं मानता और वहां के लोगों को जरा सा भी परेशान किया तो मैं कहकर के रही थी, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, अगर मेरे वाल्मीकि भाइयों को एक बच्चे को भी जरा सा परेशान किया तो रामपुर में जाकर के ईंट से ईंट भिड़ा दूंगी, लेकिन अपने भाइयों को परेशान नहीं होने दूंगी। जहां पर वो कहेंगे उनके न्याय की लड़ाई लड़ूंगी और उनके साथ जाकर के प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूंगी। जी साध्वी प्राची जी, आप गई रामपुर लेकिन आपको वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया, लोगों से नहीं मिलने दिया गया। इस बीच में आपसे एक बात जानना चाहती हूं कि हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं बुक्कल नवाब साहब जो कि लीडर हैं एसपी के, उनका साफ तौर पर कहना है जब हमने उनसे सवाल पूछा कि रचना, रचना मैं आपको डिस्टर्ब करूं बीच में, बुक्कल नवाब साहब हम लोगों के बीच में प्रोग्राम को छोड़ के निकल चुके हैं, वहां से शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि आजम खान साहब खुद फोन नहीं उठा रहे थे। शायद उनको ये संकेत गया होगा कि अगर हमारे नेता फोन नहीं उठा रहे हैं तो मेरा बैठना यहाँ शायद ठीक नहीं होगा। बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ चले गए हैं लेकिन बाकी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। वंदे मातरम को ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ईश्वर टीवी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं, प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें, फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं, फिर आपके सामने आएगा एलएनटी 09750। आप इसको फीड कर लें, स्कैन मोड में जाकर ऑल का बटन प्रेस करें, फिर स्कैन कंप्लीट होने का इंतजार करें और जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मेन्यू में जाकर एग्जिट बटन दबा दें और फिर चैनल नंबर 47 पर देखें अपना पसंदीदा चैनल ईश्वर टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारा कार्यक्रम जो कि वंदे मातरम है उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं रामपुर के रावण की। जी हाँ, जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ, लेकिन सबसे पहले आप देखते हैं कि राजनीतिक गलियारे में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, बीजेपी का क्या कहना है और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका इस पूरे मसले पर किस तरीके की प्रतिक्रिया है। आजम खान साहब के बहुत सारे बातों से हम उन पर सहमत नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन इसमें वो क्यों कहेंगे भाई, वो क्यों कहेंगे कि धर्म परिवर्तन कर लो। लोग सब लोग जानते हैं कि दंगा कराने की योजना है और उनको सिखा पढ़ा करके टोपी पहना करके ऐसा कहने के लिए मैंने तैयार किया जा रहा है। आरोप तो किसी के ऊपर लगा सकते हैं, आरोप तो मैं आप पर लगा सकता हूँ, आरोप मैं आम पब्लिक के ऊपर लगा सकता हूँ। आरोप सिद्ध हो तब ना, वो तो किसी के कहने पे अगर मैं अभी 10-20 आदमी इकट्ठे कर दूंगा और अभी मैं किसी के ऊपर मैं कहने के लिए आरोप लगाने के लिए मैं अभी आरोप लगाने के लिए कह दूंगा भाई चलो भाई उसके फलाने के ऊपर आरोप लगा, आरोप लगाने से होता क्या है? ये फिर 2017 का ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को देखना बंद कर दें। इस उत्तर प्रदेश में वही राज करेगा जो जनता के दिल में राज करता हो, उनके दुख सुख में रहता हो, उनके काम करता हो, उनके कामों में काम करता हो। देखिए, जो जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी वालों का हाथ है। अब जिस तरीके से चुनाव निकट आ रहे हैं 2017 का, इनके रोज नए एजेंडे और नए नए सबूफे मिलेंगे, इनका काम ही यही है, विकास पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, पुनर्वास का विषय एक अलग चीज है मगर धर्म परिवर्तन एक बहुत अलग दायरा है। लोगों को ये धमकाना कि आप अगर धर्म परिवर्तित कर लोगे तो आपको इस जगह से निकाला नहीं जाएगा, ये अपने आप में जो राज्य है उसकी मानसिकता को दर्शाता है। और आजम खान तो इस प्रकार के विषयों के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने भारत माता को डायन कहा, उन्होंने कहा कि कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसका पूरा का पूरा जीत का श्रेय जो है वो मुस्लिमों को जाना चाहिए ना कि हिंदू सेना को। तो स्वाभाविक रूप से देश को विभाजित करने का जो प्रयास आजम खान कर रहे हैं उसी का एक नतीजा है जो हम रामपुर में आज देख रहे हैं। रामपुर में वाल्मीकियों के उजाड़े जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सुना आपने कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है। कोई भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहा है। जाहिर सी बात है, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी चुप्पी पर सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं। और इस वक्त मैं चक्रपाणी महाराज के पास जाना चाहूंगी। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर, क्या लगता है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि किस तरह से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये दो समुदायों के बीच झगड़ा कराने की एक मंशा के तहत ये मामला उठाया गया है, इसको इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अचानक आपको बताना चाहता हूँ ना, ये उत्तर प्रदेश की सरकार चुप है, बल्कि आप ये देखिए कि आज हमारी साध्वी प्राची जी से बात हुई है, जिस प्रकार से प्राची जी जा रही थी उन लोगों से मिलने, प्राची जी एक धर्म गुरु हैं और उनको जिस प्रकार से छावनी बना दिया गया था मुरादाबाद से लेकर के रामपुर तक, और बीच रास्ते में इनकी गाड़ियों की चेकिंग की गई, इनको भेष बदल करके बाइक पे जाना पड़ा, उसके बावजूद भी गिरफ्तार किया गया, ऐसे इनको तलाशा जा रहा था जैसे किसी माफिया की तलाश हो रही है। सवाल इस बात का है कि वहां पे वाल्मीकि समाज का इस प्रकार से दोहन हो रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, इतनी उत्पीड़न किया जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करने को तैयार है, इस्लामी धर्म स्वीकार करने को, बल्कि वो आत्महत्या करने को तैयार है। उन्होंने राष्ट्रपति के यहां पत्र भेजा और उससे कोई हिंदू धर्म का अनुयायी मिलने जा रहा है, कोई धर्मगुरु मिलने जा रहा है, तो उसको इस प्रकार से रोकने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कोई अपराधी कोई आ रहा है उनसे मिलने के लिए। तो सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से सरकार इसमें पूरी तरह जिम्मेदार है, अभी तक वो अपराधी पकड़ा नहीं गया, अभी तक वो अधिकारी की कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण यह है कि उसमें सीधा सा एक मंत्री उसमें इन्वॉल्व है और इस कारण उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो इसलिए पूरे प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल हमने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के यहां भी हमने ये मैसेज पहुंचा दिया, मिलने का भी समय हमने मांगा है और उनका मैसेज आया है कि निश्चित रूप से वो कहीं व्यस्त है तो एक दो दिन में उनसे समय मिलेगा, तो इसको हम लोग इस को छोड़ेंगे नहीं और किसी भी तरीके से वहां के वाल्मीकि परिवार जितने भी लोग हैं उनके साथ न्याय होगा और इसकी जांच की जाएगी और इसमें जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पे चाहे मंत्री हो या कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। चक्रपाणी जी, क्या आप रामपुर भी जाएंगे?
की योजना थी और साध्वी प्राची से भी बात हुई थी, फिर वहां पे प्रशासन से भी हमने बात किया, वहां पे डीएमएसपी के हमारे सचिव ने वो किया कि स्वामी जी आना चाहते हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि अभी अनशन समाप्त हो चुका है और अभी देखते हैं तो इसकी योजना भी बना रहे, हो सकता है एक दो दिन में हम लोग निकलेंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे, उनके पूरे परिवार से मिलेंगे और देखेंगे दुख दर्द उनकी हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे और उनको निश्चित रूप से हर संभव मदद करेंगे, लेकिन इस प्रकार की जंगल राज नहीं चलेगा। और चक्रपाली जी, ये केवल रामपुर की ही बात नहीं है, केवल इस्लाम कबूलने की बात, जबरदस्ती मनवाने की बात नहीं की जा रही, आप होशंगाबाद की घटना की अगर बात करें, वहां पर क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करवाने की बात चल रही, तो देश में कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन की बात तो चल ही रही है। लेकिन चक्रपाणी जी, यहां पर चिंता करने वाली बात यह भी है कि अभी तक जिस अधिकारी को लेकर के इतनी बड़ी बातचीत हो रही है, इतना बड़ा मामला आगे बढ़ गया, वो कर्मचारी कौन है, इस बात की जानकारी भी सरकार के पास तो जरूर होगी निश्चित तौर पर, लेकिन अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, उस पर कोई जांच भी नहीं बिठाई गई है और किसी भी तरीके से नगर निगम की ओर से भी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए। क्या लगता है सीधे तौर पर सरकार सब चीज को दबाने पर अपने चंगुल में अपने हाथ में लेकर के बैठी हुई है? देखिए, इसका कारण ये है कि वो अधिकारी वो तो छोटा सा प्यादा है, अगर वो पकड़े गए तो निश्चित रूप से उसके परत दर परत खुलने लगेगा, क्योंकि वहां पे स्थानीय जो विधायक है वो एक मंत्री है जो सरकार में अपना बहुत ही महत्व स्थान रखते हैं और उस मंत्री के साथ पूरी सरकार उससे जुड़ी हुई है। तो सवाल इस बात का है कि रामपुर में तो अभी पता चल गया, वो मीडिया के सामने आ गए और ये ओपन हो गया, अभी कहां कहां इस तरह की रामपुर में घटनाएं हुई होंगी और ऐसे सरकार द्वारा कराया गया होगा, निश्चित रूप से उसकी भी जांच की जानी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं, शुरू से आजादी के बाद से ही तो यहां पे कानून बन जाना चाहिए धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन नहीं बन पाया। आज पूर्वोत्तर से लेकर के आप तमिलनाडु केरल देख लीजिए, पूरा का पूरा धर्मांतरण का वो परिणाम है कि आज पूरी तरह जहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र था, आज क्रिश्चियनिटी में पूरा तरह बहुसंख्यक हो गया और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। सवाल इस बात का है कि हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना और धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बनाने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त होते हैं और इसको अंजाम देने का काम करते हैं। कृपाणी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलेंगे लखनऊ, वहां नवाब साहब से बात करेंगे, बुक्कल नवाब साहब से। माफ कीजिएगा बुक्कल साहब, तकनीकी खराबी के कारण इस तरीके का संदेश आया था कि शायद आप स्टूडियो से निकल गए हैं, लेकिन हमारे साथ बने हुए हैं बुक्कल नवाब साहब। नवाब साहब, जिस तरीके का आरोप लगा रहे थे अभी चक्रपाणी जी आप पे और आपकी सरकार पे कि जानबूझकर के राजनीति की जा रही है, जो आरोपी हैं, जो दोषी है इस पूरे मामले के, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सही में राजनीति हो रही है और जो शख्स है, खासतौर पर आजम खान का कद इतना बड़ा है कि सरकार उस पर हाथ डालने या उस पर बात करने से भी बच रही है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ये जो भाजपा है और ये आरएसएस जो है, इस तरीके से ये बन रहे हैं, ये सब जो है ये बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, बिना ये मतलब हिंदू मुस्लिम और ये आपस में भाईचारा खत्म कराए बगैर ये रह नहीं सकते, इनको सुकून नहीं मिल सकता, इनको चैन नहीं मिल सकता है। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है आतंकवादी और दुनिया भर के लोगों को मतलब यहां को वो पढ़ा दे रहे हैं, इनसे दस ये साध्वी जी ने जो इस तरीके से कहा है, तो इससे हम अगर हम सवाल करना चाहते हैं, ये हम सवाल ऐसे जवाब दे दे, ये मसरत को कैसे छोड़ दे कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान के जो है नारे लगा रहे झंडा के, हमें पाकिस्तान जो है वो हमको प्यारा है और पाकिस्तान हमारा नारा है, इस तरीके से हरकतें का जिसको जेल में होना चाहिए था उसको जो है आप छोड़े हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है। ये नहीं है मुद्दा, हमारा ये है कि आखिरकार धर्म परिवर्तन जबरन क्यों किया जा रहा है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि वो सड़क को चौड़ा करने की वहां पर चल रही थी, ना कि धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा था, अगर ऐसा है तो फिर सरकार क्यों डर रही है जवाब देने से? क्योंकि जिस तरीके से साध्वी प्राची को आपने सुना, उनका कहना है कि मुझे जाने से रोका गया, मुझे गिरफ्तार तक किया गया, तो आखिरकार जब सरकार ने किया नहीं तो उसे डर किस बात का है, जवाब क्यों नहीं देती सरकार? अच्छा, किसी ने टोपी पहनी घर, आप अपने आप टोपी पहनी है और आप उठाए फेंक दीजिए, तो चाहे मुसलमान होगा हिंदू होगा क्या। नवाज साहब, आपके मंत्री पे आरोप लग रहे हैं कि उनके इशारे पे जो है शर्त रखी गई है मकान बचाने के लिए कि धर्म बदल लो और मकान बचा लो, अगर इस तरीके का आरोप आपके मंत्री पे लग रहा है तो सरकार को सामने आकर के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए।
जिन पे आरोप लग रहा है उनको सामने आना चाहिए, जिस कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है उनको जनता के सामने किया जाना चाहिए। आखिर आप लोग पूरे मामले को ढकने के लिए या दबाने के चक्कर में, किसी भी अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में किसी भी तरीके सच को उजागर नहीं होना देना चाहते। और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले हम लोग हैं, और महर्षि वाल्मीकि का ये लोग क्या करें, महर्षि वाल्मीकि की अगर किसी कदर किए उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसका नाम महर्षि यादव। फिर आप मामले को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, एक आरोप लगा है आपके नेता पर कि मकान बचाने के लिए उन्होंने जो शर्त रखी है धर्म बदलने की, वो काफी गंभीर मामला है। अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके मंत्री पे, आपके नेता पे, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनना नहीं चाहते आप लोग, हम लोगों ने वाल्मीकि जी ने क्या किया आप सुनना नहीं चाहते? तो मामला है ही नहीं, आपने क्या किया, आपने बहुत कुछ किया, ठीक है। हम उस बहस में नहीं जाना चाहते नवाब साहब। 8 बजे कर दिया कि महिलाएं जो है सफाई करने वाली अपने बच्चों को नहलाए धुलाए, आज में काजल लगाए, सुरमा लगाए और उसके बाद स्कूल तैयार करके भेजे। पहले 7 बजे होता था, 2004 में हमने उनको जो है 1 घंटा और बढ़ा दिया, जिससे महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि थे, जिन्होंने लौह कुश की परवरिश की भगवान श्री रामचंद्र जी के बेटों की, जो हैदर साहब भी बने हुए हैं। हैदर साहब आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से नवाब साहब लगातार ये कह रहे हैं कि तमाम तरह की बातें वो हमें बता रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का ये मामला है ही नहीं। क्या आपको लगता नहीं कि सरकार को सामने आना चाहिए और सफाई देनी चाहिए जब इतने संगीन आरोप लग रहे हैं? खाली डिबेट करने के लिए आगे बैठ गए, महर्षि बलिदान दिया है उसको, उसके बाद कोई बहस नहीं है, आशा वाले को पढ़ा देंगे। शान हैदर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? इस तरीके की बातें हम लोग करेंगे, हम इल्जाम लगाएंगे। हमारी आवाज हैदर साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है कि आखिरकार सरकार चुप क्यों है, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुकेश आजम खान का नाम साफ तौर पर लिया जा रहा है। पदावर मंत्री, और इस बीच रचना आपको बता दें कि हमारा जो ईमेल है, उस ईमेल पे प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। जो सोशल मीडिया पे, जो ट्विटर का हमारा अकाउंट है, उस पे भी हमारे प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जीमेल पे हमारे एक सहयोगी, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा जीमेल पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी नाराजगी जताई है यूपी सरकार से। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरीके का मामला आता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं रचना इस जी, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगी, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं और फोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें ईमेल भी दे सकते हैं और अपना सुझाव और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, मुकेश आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को, जिस तरीके से लगातार बात हो रही है धर्मांतरण के, शान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हैदर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बुक्कल नवाब साहब को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है वो मुद्दे से भटक रहे हैं, भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, क्या सरकार को सामने आना चाहिए, अपने मंत्री के खिलाफ कहीं ना कहीं उनको सफाई देनी होगी, अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें सामने खुलकर आना होगा? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर वो गलत नहीं है तो उनको सामने आना चाहिए। जिस तरह से आजम खान जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगते हैं और मुझे कोई दूसरा देश बना दे तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्या मतलब है? आप एक राजनीतिक आदमी है, अगर आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, वो गलत इल्जाम है, आप उसकी सफाई दीजिए। आप जनता के, जनता ने जो आपको चुनके भेजा है, रामपुर की जनता ने, आप उनको बताइए कि नहीं ये गलत है, इसमें हम नहीं इन्वॉल्व है। दूसरी चीज, अभी प्राची जी कह रही थी कि हम जो है इसकी जो है बात, भाई प्राची जी 4 दिन पहले रामपुर गई थी और 4 दिन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपने केंद्र सरकार में कोई बात नहीं करी, आपको लगता है कि यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, आपको लगता है कि आजम खान ऐसा कर रहे हैं, वो इतना श्योर है इस चीज को लेकर, तो हमें लगता है अब तक तो प्राची जी को इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का करवा देना चाहिए था रामपुर में, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखिए मुझे कहीं ना कहीं बार बार ये मैं कहता आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बू यही आ रही है कि चाहते हैं कि किसी तरह माहौल प्रदेश का बिगड़े, रामपुर का बिगड़े, और जिससे जो है ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है उसी को करना चाह रही है और उसी के लिए ही किया गया है। क्योंकि जहां तक देखिए वाल्मीकि समाज की बात है, वाल्मीकि समाज का ऐसे अनशन भी खत्म हो चुका है। वाल्मीकि समाज ने हाईकोर्ट ने इसके लिए केस लड़ा था, हाईकोर्ट ने भी उनसे कह दिया कि नहीं वो तोड़े जाएंगे, अनऑथराइज कॉलोनी है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं
बिल्कुल हैदर साहब, एक बात आपने कही, हैदर साहब एक बात आपने कही कि प्राची साध्वी प्राची को जो है केंद्र में पहले ही बोलना चाहिए था। और अभी जो बसपा के नेता है वो भी बता रहे थे कि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों राजनीति कर रही है इस मुद्दे को लेकर। आपके घर वापस बच जाएंगे तो इसके ऊपर सफाई दें आके मंत्री भाग क्यों रहे हैं? मंत्री के दिल में कुछ काला है क्या? तो हमें लगता है कि अगर बात प्राची जी की, जहां तक बात है, हमें लगता है प्राची जी तो इसी तरह की राजनीति करते आई हैं। प्राची जी, आदित्यनाथ जी, शास्त्री महाराज साहब, ये सब इसी तरह की राजनीति करते आए हैं। हैदर साहब, आपको रोकना चाहेंगे, जहां पे इस तरह के कुछ माहौल बनाए जा सके। हैदर साहब, आजम खान साफ है तो आजम खान क्यों नहीं इसमें आके इस मुद्दे जी बिल्कुल, अगर वो साफ है तो उनको सामने आना चाहिए और सफाई देनी चाहिए पूरे मामले को लेकर। जी, इसकी जांच होनी चाहिए। हैदर साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है, आपकी भी पार्टी है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप प्रदेश में, हालांकि सीट आपकी काफी कम है, आप वहां पर बिल्कुल राजनीतिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, फिर भी आपके भी नेता हैं दिल्ली में और आपके नेता की भी वापसी भी हुई है, बहुत दिन से अज्ञातवास पे चल रहे थे वो, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्या आपने इस मैसेज को कन्वे किया है अपने पार्टी हाईकमान को कि यह एक मामला रामपुर में है जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी गंभीर है और इस पर पार्टी को सोचना चाहिए? क्या प्रदेश स्तर पे या अपने केंद्रीय स्तर पे क्या आपने इस तरह की कोई पहल की है? उसको मैं बिल्कुल नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ उसमें सबूत नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं पता चला है कि कुछ इसमें ऐसा हो। क्योंकि देखिए, हाईकोर्ट जहां पे माननीय न्यायालय का जहां पे इंटरफेरेंस हो, उनकी तरफ से आदेश हुए उस जगह को तोड़ने को, तो उसमें जो है कोई भी राजनीतिक दल हमें नहीं लगता है। हैदर साहब, यहां पर मामला कोर्ट के आदेश का नहीं है। हैदर साहब, यहां मामला कोर्ट के आदेश का नहीं है, यहां जो इल्जाम लगाया जा रहा है, हैदर साहब, यहां इल्जाम, यहां बात कुछ और है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी तरह का ऐसा कुछ होएगा तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर बिल्कुल सामने से लड़ने आएंगे। नहीं, अब हैदर साहब, आप भी वही बात कर रहे हैं जो नवाब साहब कर रहे थे, यहाँ मामला कोर्ट के आदेश का या कोर्ट के आदेश का सम्मान या असम्मान करना नहीं है, यहाँ सीधे तौर पे उस बात की है कि जो प्रलोभन कहा। देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैंने यही कहा कि अगर वहाँ के मंत्री जो रसूखदार मंत्री है उनके दिल में कुछ काला नहीं है तो उनको आके सफाई करनी चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी, हम सीधा चलेंगे चक्रपाणी महाराज के पास और वहां जाकर के उनसे बात करें। चक्रपाणी जी, आपको अगर आप सुन रहे होंगे हैदर साहब को, तो हैदर साहब साफ तौर पर कह रहे थे कि इनको सामने आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति या अपने नेता के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। आपको क्या लगता है, सही में यह जो मामला है ये इतना गंभीर है, राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है, इस पे दोनों पार्टियों को आगे आकर के रास्ता निकालना चाहिए ताकि वहां का सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल है वो माहौल बना रहे? देखिए, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ इनकी बात सुनकर हैदर साहब की, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें कुछ इसमें इस प्रकार की कोई चीज दिखाई नहीं दी, इनको ये दिखाई नहीं दी, वो बेचारे अनशन पे बैठे हुए, इनको ये दिखाई नहीं दी कि वो टोपी पहनने पे मजबूर हो गए, इनको ये भी दिखाई नहीं दिया कि वो बेचारे आत्महत्या करने के लिए राष्ट्रपति क्या भेज रहे कि हमको परमिशन मिलेगा ताकि हम हत्या कर सके। सवाल इस बात का है कि आखिर उन वाल्मीकि समाज पे, वाल्मीकि समाज के जो परिवार है, कितने दबाव डाला गया कि वो आत्महत्या तक को मजबूर है। अभी वाल्मीकि की बात कर रहे हैं नवाब साहब, एक तरफ भगवान वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाल्मीकि परिवार के बच्चों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको जो है धर्मांतरण करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं विषय को भटका रहे हैं और उसका कारण ये कि सरकार। चक्रपाणी जी, आपको रोकना चाहेंगे, फैजल खान हमारे साथ कांग्रेस के नेता जो रामपुर से ही है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। फैजल साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, किस तरीके की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से है? पहली, आप पूरे मामले को नजदीक से देख रहे हैं रामपुर में, है क्या आपको लगता है सही में राजनीति हो रही है या जिस तरीके से आपके नेता बता रहे थे कि उनको इसमें कोई गंभीर मसला नहीं दिखता है उनको? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आजम खान ने रामपुर में दहशत का माहौल बना रखा है कि लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। आज रामपुर में इस तरह का माहौल है कि आजम खान के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता है और जो आवाज उठाता है उसको झूठे मुकदमे लगाकर पुलिस चरस आमद दिखाकर जेलों में ठूस देती है। और दूसरी कि ये जो दलित बस्ती का जो पूरा मसला है, निश्चित रूप से ये सारे लोग मेरे पास भी आए थे जिस वक्त पहले दिन इनके घरों पर रेड मार्क लगाए गए थे मदद के लिए, तो मैंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री राम नाईक जी को पूरे ही मामले से ईमेल और फोन के जरिए अवगत कराया था
और इनको वाकई तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज किया गया कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे तो तुम्हारे मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा और अगर धर्म परिवर्तन नहीं करते हो तो तुम्हारे मकानों को तोड़ देंगे। तो इस तरह की बातें आजम खान की तरफ से होती हैं। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि यदि कोई भी आवाज उठाता है तो आजम खान उसको अपराधी की संज्ञा दे देते हैं, उसका घर और मकान अतिक्रमण के दायरे में आ जाता है। जो भी यहाँ पे आजम खान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको चारों तरफ से पुलिस प्रशासन और हर अधिकारी घेर लेता है, उसके घर पे बिजली का छापा डलवाया जाता है, उसको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो आज रामपुर के लोग बहुत ज्यादा दहशत के माहौल में हैं और जरूरत इस बात की है कि बाहर का मीडिया आकर यहाँ देखे और किस तरह से आजम खान का तानाशाही का रवैया रामपुर में जारी है और लोगों के ऊपर उत्पीड़न का क्रम भी जारी है। फैजल खान साहब, जिस तरीके से का आरोप लगा रहे हैं आप, काफी गंभीर है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस आजम खान इस तरीके का काम करते आ रहे हैं, पहले से रिकॉर्ड है उनका, क्या आप इस गंभीर मसले को अपने दिल्ली में बैठे अपने नेताओं तक आपने पहुंचाई है? ये बात जिस तरीके से आपने राम नायक जी को पहुंचाई, राज्यपाल जी को पहुंचाई है, क्या आपने अपने नेताओं तक ये बात पहुंचाई है कि रामपुर में इस तरह की गंभीर घटनाएं हो रही है और सरकार का एक मंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्व होकर के इस तरीके की वारदात को कर रहा है? जी हाँ बिल्कुल, मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री निर्मल खत्री जी, मैंने उनको अवगत कराया था और उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक बयान जारी कर इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। और साथ ही चूंकि मैं आजम खान के हर गैर कानूनी कामों के खिलाफ आवाज उठाता हूँ मंच के माध्यम से भी और टेलीविजन के माध्यम से भी, तो मुझे भी आजम खान की तरफ से दो दो तीन तीन मुकदमों में फंसा कर जेल में डाल दिया और उसके बाद फिर मेरे घर की बिजली कटवा दी गई, मुझे तरह तरह से टॉर्चर किया गया और मुझे कोई मदद नहीं कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश के राम नाईक श्री गवर्नर साहब ने मेरी मदद करी, आगे आए और उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये कहा कि फैसल लाला को सख्त जान का खतरा है, आजम खान उनकी कभी भी हत्या करवा सकते हैं और उनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले पर मौन है और उस पर कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मुझे यह अंदेशा है कि जल्द ही, मुझे लगता है क्योंकि मैं आपके न्यूज चैनल पे आज बोल रहा हूँ, हो सकता है कल ही को मुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए, किसी लड़की को पेश कर दिया जाए मेरे खिलाफ या चरस या अफीम में से बरामद दिखा दी जाए। तो ये रोज का काम है। बिल्कुल फैजल खान साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ और आपके हमारे माध्यम से आपने जो बातें कही है वो हम निश्चित तौर पे जो है आगे भी इसको पहुंचाएंगे और आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से फैजल खान साहब आरोप लगा रहे थे सीधे तौर पे आजम खान पे और उन पे आरोप लगा रहे थे, काफी गंभीर आरोप लगा रहे थे, चक्रपाणी महाराज जी के पास चलेंगे। चक्रपाणी जी, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे अभी आजम खान पे, सीधे तौर पर उनके रामपुर के ही लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मामला इतना गंभीर है कि केवल राजनीति हो रही है या केवल व्यक्तिगत जो दुश्मनी है उसके कारण से ही इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है, व्यक्ति का चरित्र जो है बोलता है, ये लोग जो भी ये बोल रहे हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, बिना आग का धुआं नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो वहां के स्थानीय मंत्री हैं उनका प्रभाव इतना है, आप ये देखो ये उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी भैंस बोलती है तो उनको बयान देते हैं, पूरी मशीनरी उनकी लग जाती है भैंस खोजने के लिए। और अभी तक अपराधी जो अधिकारी है, जो अपराधी है इस पूरे अंजाम का, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो अभी तक उसके नाम सामने उजागर नहीं हुए। सवाल कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जो है गिरफ्तार करना चाहिए अधिकारियों को और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल सही कहा चक्रपाणी जी आपने, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय कम है लेकिन आखिरी समय में हमारे पास एक दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से, दिनेश जी जुड़े हैं। दिनेश जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? ये आजम खान साहब का जो ये बयान है कि अगर कोई दूसरा देश उनको जगह दे तो ये देश छोड़ सकते हैं, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि इस देश के की राजनीति में जो नेता हैं दोगले हैं तो आजम खान इस देश में हैं, कोई दूसरा देश रहने की तो बात छोड़िए, इनको प्रवेश करने के लिए वीसा भी जल्दी नहीं देगा इनकी विचारधारा इनके आचरण को देख करके।
बिल्कुल सही कहा दिनेश जी। आप भी अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपनी राय जो है हमें ईमेल के जरिए और सीधे फोन लाइन से जुड़ के आप अपनी राय रख सकते हैं। वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को खत्म करने का, वंदे मातरम को आज के इस एपिसोड को खत्म करने